राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम अनार के मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ है। कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार एक आरोपी जियाद हवालदार के हवाले से बताया, सांसद की हत्या के बाद उनके शरीर से चमड़ी हटाई गई, मांस निकाला गया और फिर लाश के टुकड़े किए गए। इन टुकड़ों को बैग में भरकर शहर के अलग अलग इलाकों में फेंका गया। हालांकि पुलिस को अब तक उनकी लाश या उनकी बॉडी के टुकड़े नहीं मिले हैं। पुलिस पिछले दो दिन से कोलकाता के अलग अलग इलाकों में उनकी तलाश कर रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सांसद की हत्या में कितने लोग शामिल हैं। वैसे चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से तीन आरोपियों को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी जिहाद हवलदार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में स्थित अपार्टमेंट में एक फ्लैट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें बांग्लादेशी जिहाद हवलदार समेत दो आरोपी प्लास्टिक बैग और सूटकेस ले जाते दिखाई दे रहे हैं। ये वही फ्लैट है जहां सांसद अनवारुल को आखिरी बार देखा गया था। 22 मई को पुलिस इस फ्लैट में छानबीन के लिए पहुंची थी। उन्हें यहाँ खून के धब्बे भी मिले थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।